हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। हम फिर से आप सभी के सामने हैं एक नए सेशन के साथ में। ये जो हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ये वेरी हेल्पफुल है किसके लिए? एयरफोर्स बायोग्रुप एग्जामिनेशन, ऑल एसएससी एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन और स्टेट पुलिस एग्जामिनेशन एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये लिखा है 540 का 75%, 540 540 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/4, 3/4। ठीक है, इनटू डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? इनटू। ठीक है, एक सही 2/5 मतलब 5, 5 और 2 7/5, इसका मतलब 7/5 इंटू कितना आया? ये 2/3, ये हमने काटा, ये लिखा, ये आ गया कितना? आ गया ये 27। ठीक है, 3 × 27 कितने, हम कैसे कहते हैं, 7 × 2 = 14 इंटू 9 × 27। यूनिट डिजिट देख सकते हैं हम, 7 × 4 = 28, मतलब जितने भी नंबर आएंगे उसमें यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। तो हमारा एक ही आंसर है 378। आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी हम देख सकते हैं, 378। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड ये लिखा है 420 का 36%, इसे हम कैसे करेंगे? देखो, पहले 420 इंटू 36% माइनस 350 इंटू 56% अपॉन 100 इज इक्वल टू एक्स, माना हमने एक्स माइनस 94। यहाँ से हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ये ज़ीरो से हमने ये ज़ीरो काट दिया, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो काट दिया। ठीक है, हम इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो 10 है ये दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा तो हम इसे इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा ये। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये 42 और ये इंटू 36 कितना आएगा? 36 × 72, 72 का 2 हासिल का 7, 36 × 144, 144 और 7 कितना हुआ? 151, 151। ओके, माइनस किया कितना आया ये 35, 35 × 54 किया कितना आया? 35 × 70, 7 × 21, 210, 210 में से हमने 0 लिखा, 21 हमारा हासिल में चला गया। 35 × 70 140, 175, 175 और 21 कितना हुआ? 5 और 1 = 6, 7 और 2 = 9 और 1 1960 इक्वल टू एक्स, 10x हो जाएगा ये, हमने 10 का मल्टीप्लाई किया था, 10x माइनस 940। इसमें से एक कितना आ जाएगा? ये माइनस का आएगा कितना? 10 में से 2 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 19 में से 15 का कितना? 4। ठीक है, इधर आ जाएगा ये 940, इधर आ जाएगा प्लस 940 इज इक्वल टू 10x, ये हमने माइनस किया, 10 में से 8 गया कितना आया? 2, 13 में से 4 गया कितना आया? 9। ठीक है, ये कितना बचा? ये बचा 8, 8 में से 4 गया तो 4 इज इक्वल टू एक्स, और ये 10 है तो ये अपॉन में आ जाएगा 10, तो आंसर कितना आ जाएगा? 49.2, ये अपना सेकेंड आंसर। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको सीखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड, 3842 का 1/2, आप देख सकते हैं 38, पहले इसका हाफ करना पड़ा, हाफ कितना होगा? इसका डायरेक्ट हाफ करेंगे हम पहले। ठीक है, और ये प्लस में तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना होगा? यहाँ पे एक्स मान लेंगे तो एक्स इंटू 15% इज इक्वल टू कितना आया? इसका हाफ कितना हुआ? 1921। ठीक है,
अब माइनस किए तो कितना है, 9 में से गया 8, 4 में से 2 गया 2, और 24 में से 19 गया तो कितना बचा, 5। ठीक है, अब अपने पास क्या दिया है, 15% की वैल्यू दी हुई है, 15% की वैल्यू दी है कितनी, 528। ठीक है, 100% की वैल्यू देखना है हमको, 100% की वैल्यू। ठीक है, कितना आएगा, 5 3 15, 5 से 20, 3 से कितना बार कटाइए, 3 एकम, 5 7 15 कटाए, 3 एकम, 3 2 गया तो 30 बार 21, 3 चंग 18, 176 टाइम। तो इसमें भी 176 का मल्टीप्लाई का 176, 0 आया, 6 दुनी 12, 2 हासिल की 17 34 1 35, कितना आ गया आंसर, 3520। ठीक है, 3500 ही फर्स्ट वाला अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। ये आ गया अपना फोर्थ क्वेश्चन, ये का 25%, ये मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया, 25% मतलब 1/4, 1/4 इसका कितना होगा, 105 माइनस, ये ऐसा करते हैं हम, ये 77 को इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, और इसे इधर ले जाते हैं, 140 का एक्स परसेंट। ठीक है, प्लस में हो जाएगा इधर जाके, ये इसमें से गया कितना आएगा, ये 3 3 5 28 इज इक्वल टू 140 इंटू एक्स परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। ये कट जाएगा, ये 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 से कट के 5, और ये 5 से ये कट के 100, तो कितना आएगा, 20, एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई, आ गया 20, आपको भी इसी स्पीड से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, 14% 150 का एक्स परसेंट इज इक्वल टू 140। ठीक है, 14% आप इसे लिख सकते हैं पहले डायरेक्ट, 250 का 14%, 14/100 प्लस 150 का एक्स परसेंट, x/100 इक्वल टू 140। यहाँ से देख सकते हो आप, ये 0 से 0 कट गया, 5 2 10 5 25, और 2 से 1 कट गया 7। ठीक है, 5 7 35 प्लस कितना आ गया, इसमें ये 0 से 0 का दिए 1.5, 1.5x इज इक्वल टू 140। ठीक है, अब इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, और 1.5x इक्वल टू 35 माइनस किए, इसमें कितना बचा, 105। एक्स से मल्टीप्लाई किए, एक्स से डिवाइड किए, इसमें 105 0 आ गया। कितना टाइम गया ये, 15 6 15 7 105 70। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 17। ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसमें, कितना आ गया आंसर, कितना आ गया अपना, 70 अपना एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8th, 550 का एक्स परसेंट, 150 का 12% इज इक्वल टू 125। इसमें भी वैसे ही करना है हमको, पहले ऐसा करते हैं, 150 का 12% लेके ये माइनस है तो इधर प्लस कर देंगे इस वैल्यू को लेकर। ठीक है, इसका 12% निकालो, कैसे निकालेंगे, 150 इंटू में 12/100, 0 से 0 डेट, ये डिवाइड किए कितना है, 5.5, 100 से डिवाइड करें कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 143/5.5, ये रखे 0 आ गया। किससे काटा हमने, ये 11 से काटा, 11 5 55, 11 से कितनी बार गया 11 1 11 11 3 33, 0 ये कितनी बार कट जाएगा अपना, 5 2 10 3 3 आ गया, तो 5 6 30, 26 आंसर है ये, 26। ठीक है, ये अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7th, 160 का 45%, 45%, 160 इंटू 45/100,
प्लस, अब इसका अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये सब क्या मल्टीप्लाई में है तो अपन परसेंटेज उठा के इधर भी ला सकते हैं, जैसे 25% ऑफ 140, ये एक ही बात है। और ये 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो इसका डायरेक्ट 1/4 फाइंड कर दो, कितना आएगा, 10, 4 4 12, रखा तो 4 5 20, 35 आ गया, इक्वल टू x-23 है ये। इसका निकाला हमने, ये 0 से ये 0 काटा, 5 2 10, 5 9 45, 2 से 8, 8 9 72, प्लस 72 आ गया। और ये 23 को भी प्लस करके इधर ले आओ, इज इक्वल टू x, 3 और 5 8 और 2 10, 0 हासिल की, 2 और 1 3 और 3 6 और 7 13, ये आ गया आंसर 1/13, ये अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन, 350 का 66%, ये आया पहले, ये देख लेते हैं, 350 का 66/100 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट इंटू सी काटा, 8 कमा 4, 8 8 5 40, 8 7 56, 1 57, इंटू 5 कितना आएगा, 5 7 35, 7 3 15 5 75, 74 77 78, 785 आ गया, ठीक है। ये डिवाइड किया 0 से 0, 5 2 10, 5 7 35, 2 से आया ये 33, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया, एक्स इज इक्वल टू 785 माइनस 7 21, हासिल की 2 7 21 22 23 आ गया, कितना आया, घटा के 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गए 5, एक ही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन, 75% यहीं से देख सकते हैं, 42 40 इंटू 3/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ये आ गया डायरेक्ट, जैसे 5 और 2 ये कितना हो गया, 10, ये कट गया, 4 2 8, 8 से ये कट जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, 8 5 40, 8 3 24, 53 53, ये कितना है, 9 53 इंटू 9, 9 3 27 आएगा, यूनिट डिजिट 7 है तो ये वाला सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, ये एक्स का 52% 182 है, अपॉन में कितने लगा, 52 इंटू में 100, ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू, ये कटा 13 चौक 52, 13 एकम 13, 5 लेगा 13 चौक 52, 4 से कितनी बार आई, 25 बार, तो 25 25 चौक 100, 0 हासिल की 10 25 और 10 35, ये अपना आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।